बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मोस्ट नॉटी एंड फेक पीर इन पाकिस्तान बाय हैदर टीवी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहली बात आती है पीर। पीर होता क्या है? आजकल लोगों ने पीर को नाउज़ुबिल्ला इतना ज़्यादा बुलंद दर्जा दिया हुआ है ना लोगों ने, कि मतलब उनसे मांगते हैं लोग, उनके हाथ पाँव चूमते हैं। मतलब मैं क्या बोलूँ, शिर्क की इंतहा हुई पड़ी है। कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप गांव खेड़े में जाओगे ना, वहाँ पे तो ज़्यादातर है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान में भी, बांग्लादेश में भी। पीर का मतलब होता क्या है? पीर का मतलब होता है जो हमें गाइड करे, जो हमें गाइडेंस दे, दीन के बारे में अच्छे से बताए, उसको पीर बाबा कहा जाता है, कि वो हमें गाइड कर रहे हैं सही रास्ते को। बट आजकल लोगों को पीर का मतलब ही नहीं पता कि पीर का मतलब होता क्या है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे ना, उनको भी पीर का मतलब नहीं पता होगा। उन्हें भी आज पता लगा होगा कि पीर का ये मतलब होता है। आजकल के मुसलमान ना चाहते हुए भी शिर्क कर रहे हैं। मतलब जो मुसलमान दरगाहों पे जाते हैं फातिहा पढ़ने के लिए, ना ही वो किसी बुजुर्ग से कुछ मांगते हैं, ना ही उससे कोई मदद मांगते हैं, ना ही कुछ करते हैं, बट वहाँ पे जाके उस बुजुर्ग के लिए दुआ करने के लिए जाते हैं। वो भी ये चीज के बारे में टेंशन में आते हैं, सोचते हैं कि यार हम उधर जाएं या नहीं। अगर सपोज मुझे किसी एक ऐसे शख्स की मजार पे जाना है, दरगाह पे जाना है, और वहाँ पे उनके लिए दुआ करनी है, फातिहा पढ़ना है वहाँ पे जाके, तो मैं भी हजार बार सोचूंगा दरगाह पे जाने का। बिकॉज लोगों की सोच, लोग क्योंकि लोग आजकल वैसे उस हिसाब से करते हैं, दरगाह पे जाके सजदा करते हैं, पीर बाबा जी को सजदा करते हैं। हालांकि हमें, हम सजदा अपने माँ बाप को तक नहीं कर सकते, तो उनको तो क्या ही करेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे अल्लाह, उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद हमारे माँ बाप, तब जाके कोई और आता है। तो अगर हम उन्हें सजदा नहीं कर सकते हैं, तो कोई उनके मुकाबले तो कोई है ही नहीं। कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं, नो वन। इवन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तक पसंद नहीं था कि जब वो आए तो कोई उनकी खिदमत में खड़ा भी ना हो, ऐसा भी उनको मुकाम ना दे कि भाई खड़ा हो रहा है, वो आ रहे हैं तो भाई सब खड़े हो जाते ना, कोई बड़ा आदमी आता है तो खड़े हो। उनको पसंद नहीं था ये चीज कि भाई क्या आराम से ऐसे, मतलब एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीस कौन कर सकता है, कौन हो सकता है उनके जैसे। तो चलिए फेक बाबा जी को देखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बाबा ऐसा है जो लोगों को अपने दरबार में ही हज करवा देता है? और क्या आप जानते हैं कि कराची में एक दरबार है जहां नागन दूध पीकर लोगों की मन्नतें पूरी करती है? और क्या हो अगर कोई बाबा कब्र से उठकर लोगों की टांगे तोड़ दे? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के नौटी पीरों के ऐसे दरबार दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपका इंसानियत पर से भरोसा ही जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नागन बाबा। दोस्तों, ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये कराची में मौजूद है। इसमें दफन बाबे को सांपों वाले बाबा कहा जाता है। असल में इस दरबार के हवाले से एक बात फेमस है कि यहाँ रोजाना एक मखसूस टाइम पर लोगों की मन्नतें पूरे करने वाले सांप आते हैं। लोग यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं और सांप के कटोरे में दूध डालकर इनका इंतजार करते हैं। इन जाहिलों का मानना है कि सांप जिस बंदे का दूध पी लेता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, और अगर सांपों ने दूध नहीं पिया तो इसकी मुराद कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस दरबार के एक चमचे से जब डिजिटल पाकिस्तान के जवाद भाई ने सांपों की हकीकत पूछी तो इसने बताया कि यहाँ सांपों का एक जोड़ा रहता है जिसे दूध पिलाने से मुरादें पूरी हो जाती हैं। सिंपल अल्फाज में बाबा जी ने नागन छोड़ी हुई है जो दूध पीकर लोगों के काम कर देती है। इवन इस मुरीद ने बताया कि इसने खुद 5-6 मर्तबा उस नागन को कब्र के नजदीक देखा है, लेकिन सांप की ज्यारत के बावजूद भी इस पापड़ की अपनी किस्मत तब्दील नहीं हुई और ये अभी भी दरबार पर धक्के खा रहा है। अब इससे बड़ी जहालत और भला क्या हो सकती है? बुखारी शरीफ। दोस्तों, वैसे तो अगर किसी को हज करना हो तो वो मक्का मुकरमा में जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये सहूलत पाकिस्तान के एक दरबार पर भी अवेलेबल है? वेल, ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये सूबा सिंध के इलाके लाड़ में मौजूद है। 2020 में जब कोरोना वायरस अपने अरूज पर था और मस्जिद हरम में हज पर पाबंदी लग गई थी, तो उस वक्त इस दरबार के चेलों ने ऐलान किया कि जो कोई इस साल हज करने की ख्वाहिश रखता है वो बंदा 9 और 10 ज़िलहज को दरबार लौरी शरीफ का तवाफ
माफ करके हज को अदा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शापरों का कहना था कि यहाँ हज करने वाले को इतना ही सवाब मिलेगा जितना माजल्ला हरम शरीफ में तवाफ करने से मिलता है। कुर्बान जाएं पाकिस्तान की अवाम की उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर हर साल 9 और 10 ज़िलहज को जाहिलों का एक हजूम जमा हो जाता है और हज अदा करता है। इवन इन दिनों में जाहिलों के टोलों का इतना रश होता है कि बाकायदा कर्फ्यू लगा होता है। वेल ये सीन देखकर आप लोगों की जहालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक जा चुके हैं। फरिश्तों वाला दरबार। दोस्तों आप सबने इंसानों के बनाए हुए बहुत से दरबार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा दरबार देखा है जिसे फरिश्तों ने अपने हाथों से बनाया हो? वेल ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये मुल्तान में मौजूद है और इसके बारे में फेमस है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने तामीर किया है। वेल इस दरबार के अंदर हजरत शेख मोहम्मद सादन शहीद नामी एक बहुत बड़ा और नामालूम पीर दफन है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि इस दरबार को एक रात में ही तामीर किया गया, यानी कि यहाँ पहले सिर्फ एक कब्र हुआ करती थी और एक सुबह जब इलाके के लोग उठे तो इस कब्र के आसपास एक पूरा मजार बना हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दरबार की छत भी नहीं है। असल में इस बाबे के मुरीदों और इलाके की पौड़ियों का कहना है कि जब रात के वक्त फरिश्ते इस आलिशान महल को तामीर कर रहे थे तो पास मौजूद एक घर में रहने वाली एक माई उठकर लस्सी बनाना स्टार्ट हो गई। फरिश्ते इस माई को सो गाइज, अगर आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपने फोन के जरिए ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो, इस पे भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इंक्वायरी करके आगे बढ़ सकते हो। थैंक यू। तो देकर वहां से चले गए और छत नामुकम्मल रह गई, यानी माई की लस्सी की वजह से ये कंस्ट्रक्शन अधूरी रह गई थी। एक अरसे से लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और बेतुकी हरकतें और खुराफात करते हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यार मैं सोच रहा था कि आधी रात को माई ने लस्सी पी कर आकर ठंडा किसे करना था, लेकिन बहरहाल इस चक्कर में बाबे की छत रह गई। वेल इस वाके को सुनने के बाद तो मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया है। कैंड्रो पी। दोस्तों वैसे तो हमारे मुल्क में कब्र परस्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहालत के इस दर्जे की इंतहा आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये जो सुराख वाली कब्र आप देख रहे हैं ये सिंध के इलाके कैंड्रो में मौजूद है। इसके बारे में फेमस है कि ये एक पीर की कब्र है जिस बाबे का नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन सब इसे कैंड्रो पीर के नाम से जानते हैं। इस पीर के अकीदतमंदों का मानना है कि पीर साहब ने अपनी कब्र में खुद ही सुराख किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जाहिलों का कहना है कि जो इस सुराख में से गुजर जाता है वो शख्स प्योर हलाली होता है और इसकी मन्नत कब्र वाले पीर पूरी कर देते हैं। यानी कि जो भी बंदा इस पीर की कब्र पर अपनी मुराद लेकर आता है इससे पहले इस सुराख में से गुजर कर अपना टेस्ट देना पड़ता है। हैरानगी की बात ये है कि पढ़े लिखे बंदे भी ऐसी बातों को मानते हैं और यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन जहालत सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन शापरों का ये भी अकीदा है कि अगर कोई बीमार इस बाबे की कब्र के सुराख में से गुजर जाए तो इसे शिफा मिल जाती है, अगर कोई बे औलाद हो तो इसे औलाद मिल जाती है, और इवन जिसकी जो भी ख्वाहिश होगी ये पीर साहब पूरी कर देंगे। माई बुड्ढी मसी। दोस्तों अगर दरबारों या मिजारों की बात की जाए तो नॉर्मली ये पीरों फकीरों की याद में बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई मस्जिद को ही दरबार बना दे? वेल सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड दरबार आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर जनावाला में मौजूद है। मजे की बात यह है कि इस दरबार में कोई बुजुर्ग दफन नहीं है और इवन यहाँ कोई कब्र तक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस पर चादरें और फूलों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। असल में ये मस्जिद काफी पुरानी थी और इस इलाके में रहने वाले पौड़ियों ने इसे दरबार में तब्दील कर दिया। इन पौड़ियों ने इस दरबार का नाम माई बुड्ढी मस्जिद रख दिया और इसके मुतालिक मनगढ़ंत कहानियां बना दी ताकि लोग इसे मान लें। पाकिस्तान की अवाम के कुर्बान जाएं, जैसे ही ये खबर फैली तो दूर दूर से लोग यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आना शुरू हो गए। इवन ये शैम्पू तो यहाँ आकर डायरेक्ट इस दरबार से ही नौकरियां और औलाद मांगना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि अब दरबार के लिए किसी बाबे की भी लोड़ नहीं है, दरबार की दीवारों से ही आसानी से काम चल जाएगा। ये सच में जहालत की इंतहा है। दोस्तों ये जो दरबार आप देख रहे हैं इसमें जो बुजुर्ग दफन है इसके चेलों और चपाटों का मानना है कि ये बाबा नाउजुबिल्ला लोगों की ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी करता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जहाजों का ये भी मानना है कि इसके साथ साथ अगर कोई शख्स इस बाबे के मिजार के आसपास मौजूद दरख्तों को काटने की कोशिश करता है तो ये बाबा जी कब्र से ही कोई ऐसी फूंक मारते हैं कि दरख्त तोड़ने वाले की टांग टूट जाती है।
अब ये तो नहीं पता कि वो टांगे बाबा जी खुद तोड़ते हैं या किसी से तोड़वाते हैं, लेकिन बाबा जी के मुरीदों के मुताबिक वो शख्स दोबारा कभी भी चल नहीं पाता। खैर, इस बाबे का भांडा फोड़ने के लिए एक दिन एक शख्स टोका लेकर इस मिजार पर चला गया। इसने बाबा जी के चमचों से कहा कि वो दरख्त काट कर देखना चाहता है कि किस तरह ये बाबा जी कब्र के अंदर से ही लोगों की टांगे तोड़ते हैं। इवन एक मुरीद ने तो इसे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी बात पर डटा रहा। आखिरकार अपने टोके से इसने दरख्त काटना शुरू कर दिया और एक बड़ी सी शाख को काट दिया। अब ये इंडिया का ड्रामा तो था नहीं कि फौरन म्यूजिक चलता और इस बंदे की टांग कट जाती। पर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे भी मजे की बात ये है कि जब इस लड़के ने पीर साहब के चेले को सही सलामत टांग दिखाई तो वो शैंपू पजल हो गया। यहाँ तक कि आखिर में तो इसने खुद ही तस्लीम कर लिया कि ये बाबा जी कुछ नहीं करते, बल्कि बाबा जी बड़े शरीफ हैं। अब इससे बड़ी जहालत और भला क्या हो सकती है। फेक पीर इन पाकिस्तान, या ये इन्होंने पहले भी बनाया है ऐसा। हाँ। एक वीडियो हमने देखा था ना, फूक मारता है, मतलब लोग आते हैं भाई उस बंदे के लिए, मतलब ये क्वांटिटी में बंदा फूक मारता है। एक बंदा ऐसा भी है पाकिस्तान में, मतलब ऐसे ऐसे मारता है, फूक मारता है, वो भी माइक में मारता है फूक। हाँ, ऐसा भी किसी के ऊपर मारता है, माइक में फूक मारता है और सारे बंदे खत्म भाई, ठीक हो जाते हैं। वाह माशाल्लाह, जाहिल लोगों का कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मतलब आपको क्या लगता है कि मुसलमानों के ऊपर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों है? मुसलमान, आज का मुसलमान परेशान क्यों है? ज्यादातर आजकल के मुसलमान परेशान क्यों है? उनके ऊपर ही क्यों कहर है? पाकिस्तान की हालत क्यों है? क्यों है, क्यों? बिकॉज ऑफ द शिर्क। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मुसलमानों की, सब लोग बोलते हैं आप मुसलमान हुए हो अभी अभी तो आप मुसलमानों के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो? अरे भाई क्यों नहीं बोलूं, जब मुसलमान ये चीज गलत चीज कर रहे हैं, मेरी आंखों के सामने मुझे दिख रहा है कि मुसलमान आज के ये ऐसी जाहिलियत भरी चीजें कर रहे हैं, मेरे अल्लाह के बारे में गलत अकीदे घड़े हुए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के, अल्लाह को छोड़ के किसी और को वो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं? मुझे गुस्सा आता है भाई, आई डोंट फील गुड इन दिस। मुझे बहुत गुस्सा आता है इस चीज को देख के। मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये लोगों को थोड़ी सी अक्ल आए। मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ, मैं दिन रात ये सोचता हूँ अपने दिमाग से। मैं ये सोचता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी कौन सी वीडियो डालूँ कि इनका दिमाग खुल जाए भाई। पर जब मैं कोई हक की बात बोलता हूँ तो लोग नीचे गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि एक मुसलमान गाली भी नहीं दे सकता। माँ बहन की गालियाँ देते हैं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं वो मुसलमान होके। इतना बुरा लगता है, मैं क्या करूँ भाई। फिर ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो इनको, बट फिर याद आता है कि हमारा ये धर्म है, हमारा ये फर्ज बनता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें सही से अपने इस्लाम को सही से फैलाना है, इस्लाम का पैगाम बताना है लोगों को, लोगों को इस्लाम की तालीम बताना है, लोग जो भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पे लाना है। बट क्या ही करें यार, लोग आजकल बहुत ये जाहिलियत की वजह से लोग कितने गलत काम करते हैं। आप सोचो ज़रा, घर का निज़ाम तबाह है उनके, उनका मतलब क्या ही, उनका क्या सही चल रहा है बताओ? कुछ भी सही तो नहीं है ना, कुछ भी सही नहीं है। एक अल्लाह को मानो मेरे भाई और बहनों, एक अल्लाह को, दैट्स इट, जस्ट वन, दैट्स ऑल। उनसे ही मांगो, उन्हीं की इबादत करो, दैट्स इट। सो गाइस, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।